Hello pretty people, what's up? I am back with another video. In today's video I am going to share with you Kasturi Restaurant Gold Park Outlet का review. तो अभी हम आ गए हैं Kasturi Restaurant Gold Park और यहाँ पर आप MBS देख सकते हो. बहुत छोटा सा outlet है, बहुत कम लोग ही जगह हो सकता है. आप देख सकते हो outlet और north में उनका बहुत बड़ा outlet है. तो अभी देखिए Kasturi का मेन्यू काफ़ी अच्छा था और ये लोगों का था एपार बांग्ला ओपार बांग्ला, यानी कि बांग्लादेश की क्विजिन भी इन्होंने ऐड करने की कोशिश की है. दो बांग्लादेशी जो खाना होता है उसके लेवल उतना मैच नहीं कर पाए. तो आप देख सकते हो मेन्यू, आप पॉज करके मेन्यू चेक कर सकते हो. यहाँ पर मेन्यू काफ़ी डिसेंट है और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है. भोजोरी मानना से तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आपको Kasturi पे मिल जाएगा. Kasturi में बहुत लोग भी जाते हैं क्योंकि बहुत सारा वैरायटी भी होता है और खाना भी अवेलेबल होता है. कोल्ड ड्रिंक 60 रुपीज़ लिया है एक ग्लास का. और इंटीरियर आप देख सकते हो काफ़ी कोलकाता वाइब्स आपको देखने को मिलेगा. जिस तरीके से आप समझते हो कोलकाता को, हलूद टैक्सी, येलो टैक्सी, तो आपको पता चल ही गया है. उत्तम सुचित्रा बहुत फेमस जोड़ी है बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का. और आप इंटीरियर देखो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है. मैंने मेनू चेक किया और मुझे था गोंधोराज चिकन फ्राई ट्राई करने का. ये स्ट्रिप्स काइंड ऑफ कटिंग है, तो आप देख सकते हो बोनलेस है सारे के सारे. मेयोनीज के साथ सर्व किया हुआ है. लेट्स सी कैसा होता है. और आपने देखा इन्होंने जो प्लेट सर्व किया, इसे कहते हैं काशीर प्लेट. इसे हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है. और आप देख सकते हो मैंने बाइट कर लिया है और मुझे काफ़ी जूसी सॉफ्ट बहुत अच्छा लगा. यू नो फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छे फील हो रहा था. और ये यहाँ पर है मटन कशा, चिंगी पुलाव एंड आलू दिए, यानी कि पोटेटो से चिकन का झोल. खाना काफ़ी डिसेंट था, मैं कह सकती हूँ हल्का पतला अच्छा था. हाय गाइस, बहुत ज़्यादा थक चुकी हो. अभी हम खा पी के आ गए हैं Kasturi से. तो कैसा था सब कुछ बताएंगे. तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना. फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. Kasturi में एंट्री लेते ही मैं देख लिया था कि काफ़ी सारे बांग्लादेश से लोग आके भी यहाँ पर खाते हैं. एज यहाँ पर ढकाया कह के बहुत सारे मेन्यू इंक्लूड किया गया है. और मैं Zomato से ऑर्डर किया था ढकाया चिकन रोस्ट, जो कि ढकाया स्टाइल तो नहीं था, बहुत ज़्यादा स्पाइसी था. इसके बारे में हमने आज कॉम्प्लेन कर दिया है कि आपकी खाना तो ढकाया जैसे नहीं होता, लेकिन बंगाल जैसे करने की थोड़े कोशिश करते हो, थोड़े से बंगाल जैसे खाते, ज़्यादा मीठा नहीं खाते हम खाने में, तो वो आप ट्राई करते हो. लेकिन आपका वो ढकाया मेंशन करना गलत है, क्योंकि वो लेवल अगर मैच नहीं कर पाओगे तो आपके रेस्टोरेंट की बदनाम होगी. तो हमने ये चीज़ तो उनको बोल दिया.